चैनल का नाम लिखें पेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स आप मिलती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि पिछली जो मेरा पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने डिग्रोड से मलिर हॉल तक की मेरी वीडियो आपके साथ शेयर की थी कैबराइट की, और अब जो है मैं हम लोग निकल रहे हैं मलिर हॉल रेलवे स्टेशन से, सामने शार फैसल क्रॉस करेंगे और उसके बाद जाएंगे मॉडल कॉलोनी और उसके बाद मलिर कैंट। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी लाजमी दबाएँ ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे आने वाली तमाम वीडियोस की। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली मलिर हॉल से निकल के शार फैसल की मेन लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ से हम शार फैसल क्रॉस करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट जो काम हुआ था उसके बाद जो पोजीशन थी यहाँ की, उसके बाद थोड़ी चेंज हो चुकी है और यहाँ पे रेलवे फाटक भी नहीं है, इस वजह से ट्रैफिक को रोकना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ पे एक बंदे या दो बंदे की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस अहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं और रेलवे का अमला भी मौजूद होता है जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसको क्रॉस कराने के लिए, ताकि ट्रैफिक को रोक कर बाहिफाजत तरीके से गाड़ी यहाँ से गुजारी जाए। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि रेलवे क्रॉसिंग जो है सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई रेलवे ट्रैक गुजरा है, रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बहुत ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। कई बार पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक नोटिस भी जारी किए गए आवाम उन्नास की जान माल की हिफाजत की, लेकिन फिर भी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर लोग इसको संजीदगी से नहीं लेते। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस कदर कोशिश की जा रही है ट्रैफिक को रोकें, जो पैदल चल रहा है वो भी नहीं रुकने को तैयार, और जो गाड़ियों पे हैं, जो बाइक्स पे हैं, वो भी रुकने को तैयार नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से ये क्रॉस किया जाता है, क्योंकि इस ट्रैक पे मिट्टी भी आपको नज़र आ रही होगी, इस वजह से जो है वो थोड़ी परेशानी हो रही है गुजरने में। तो फ्रेंड्स, अब हम शार फैसल क्रॉस करके आगे बढ़े हैं मॉडल कॉलोनी की जाने। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में अपडेट्स देता रहा था आपको इस ट्रैक के हवाले से, जैसे यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है शुरुआत से ही, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कभी काम हुआ था। तो इस कंडीशन जो आप देख रहे हैं सामने, क्योंकि दरख्त भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ट्रैक भी थोड़ा सा पुराना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ट्रेन की वर्किंग नहीं होती, इस वजह से जो ट्रैक की हालत है। तो चलते हैं मज़ीद थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जब लास्ट टाइम यहाँ पे काम चल रहा था उस वक्त ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे भी चलेगी, उसके लिए भी यहाँ पे स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन जो है अब जो नई रिपोर्ट सुनने में आई है वो ये है कि इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे इस ट्रैक पर नहीं चलेगी। काफ़ी लोग मुझसे मालूम ले रहे, पूछ रहे हैं कि यार आप ट्रेन तो अभी तक चली नहीं और कब तक चलेगी, और क्या इसकी कोई डेट दी गई है, क्या कोई काफ़ी काम होना बाकी है, क्या पोजीशन है। तो उन सबको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है कराची सर्कुलर किसी या लोकल ट्रेन इस ट्रैक पे चलाने का।
और फाइनली आप देख सकते हैं कि ट्रैक के आसपास झुग्गियाँ दोबारा लग चुकी हैं, इनको भी साफ करवाया गया था, इनको यहाँ से हटाया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आगे और कुछ रुकावटें भी सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ से ट्रेन को गुजरने में परेशानी होती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तो रेलवे की ज़मीन ऊपर से जो है वो झुग्गियाँ हैं, उसके अलावा मैं एक बात मुसलसल नोट करता हूं और मैं ज़रूर इस वीडियो में बात करना चाहूंगा इस बारे में कि रेलवे ट्रैक, रेलवे की ज़मीन जहां पे मौजूद है उसके आसपास के रहायशियों को एक बहुत बड़ी सहूलत कह सकते हैं कि मिली हुई है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा लैंड है, वो उसको ग्रीन कर रखें, मतलब उसको जो है वो साफ़ रखें, सुथरा रखें, ना कि उसमें कचरा फेंकें, उसमें वो है वो कोई और चीज़ उसमें बनाएं, उसको ग्रीन रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें, अपने आसपास के इलाके को जितना आप साफ़ रखेंगे उतना ही उस माहौल पर उतना असर पड़ेगा। तो कोशिश करें आपके आसपास जो भी एरिया है, जो भी होता है, चाहे रेलवे का हो या किसी का भी हो, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसको कचरा कुंडी ना बनाएं, ताकि आपके जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, जो वहाँ पे राहगीर हैं, जो भी लोग आते जाते हैं वहाँ से, उनको इस परेशानी से बचना पड़े। मैं बात करूँगा ख़ासतौर पे मेन लाइन की भी, जहाँ पे मेन लाइन पे इस वक्त दोनों ट्रैक के आसपास जो है वो जैसे ही हम लांडी क्रॉस करते हैं, लांडी के बाद हमको मुसलसल कचरा नज़र आता है कराची कैंट तक। और ये बात मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान रेलवे को भी कि वो इस चीज़ का बाउंड्री वॉल अगर कोशिश करें इस पर लगा दें तो कचरा कोई ना फेंके वहाँ पे ग्रीन डी, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते हैं उनके यही इम्पैक्ट जहन में पड़ता है, यही उनके जहन में आता है कि कराची कचरे का शहर है, और जो भी आता है वो यही बात करता है कि कराची आते साथ ही कचरा शुरू हो जाता है। कोशिश करें अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। तो ये कुछ एरिया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरी सड़क नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा, दोनों तरफ दरख्त हैं और कितना खूबसूरत माहौल नज़र आ रहा है यहाँ से गुजरते हुए। तो ऐसा ही होना चाहिए पूरे ट्रैक पे, और मेन लाइन पर भी कहना चाहूँगा इस वक्त वो जो अपना कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रैक जहाँ पर चल रहा है वहाँ भी कोशिश करें साफ़ सुथरी जगह हो। चूँकि जैसे जैसे काम चलता रहा साथ साथ वैसे वैसे रेलवे राजी गुजार कराई गई, लेकिन उसके वक्त गुजरने के साथ साथ दोबारा से लोगों ने ठेले अथारे दोबारा से कब्जे करना शुरू कर दिया। और अगर आप देख सकते हैं किस कदर रेलवे ट्रैक के पास यहाँ पे जो है वो इंक्रोचमेंट की गई है, और उम्मीद करते हैं आगे, और कचरा भी देखें कितना है यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आगे जो है इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी।
तो फ्रेंड जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, हम मॉडल कॉलेज के करीब पहुंच रहे हैं और आस्ते आस्ते आगे चल रहे हैं, क्योंकि ट्रैक इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि इस पर ज़्यादा स्पीड लगाई जाए, इसलिए यहाँ पे स्लो स्लो पास किया जा रहा है यहाँ पे ट्रैक को, और हम करीब करीब पहुँच रहे हैं मॉडल कॉलोनी के। यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये पोजीशन है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक के ऊपर भी जो है वो कचरा आ चुका है, और ये सब एक ट्रैक्टर काम कर रहा है सफाई के लिए, और ये देखिए ऊपर बिल्कुल ट्रैक इसके दब चुका है नीचे, और इसको साफ करके सफाई लगता है दोबारा की जाएगी, दोबारा से यहाँ पे काम होगा, उसके बाद ही प्रॉपर ट्रेन चलेगी, क्योंकि काम अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत होना बाकी है। सफाई ये बगैर यहाँ से गाड़ी नहीं घुस सकती, क्योंकि ट्रैक जो रेल्स हैं वो बिल्कुल अंदर दब चुकी हैं, और फाइनली इसको हमने साफ करके क्रॉस कर लिया। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम इंटर हो रहे हैं मॉडल कॉलोनी की तरफ। आप सिग्नल देख सकते हैं मॉडल कॉलोनी पे स्टेशन से पहले, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ पहले दो ट्रैक्स हुआ करते थे, दो प्लेटफॉर्म थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रैक यहाँ पे मौजूद है, और अभी हम मॉडल कॉलोनी पे पहुँच चुके हैं। एक जानवर भी है जो ट्रैक के पास में है, जो घबरा गया है, तो थोड़ा सा मजेदार आगे चलते हैं। मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन हम अराइव कर चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं सामने दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, और इस वक्त जो हालत है, जो कंडीशन है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शायद यहाँ पे कभी काम हुआ था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे इस स्टेशन को दोबारा कचरागुड्डी में तब्दील कर दिया गया है, हर तरफ आपको कचरा ही नज़र आ रहा होगा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेशन बिल्डिंग में जाने पर, उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो फाइनली रेलवे बिल्डिंग आप देख सकते हैं मॉडल कॉलोनी के रेलवे स्टेशन, इस वक्त उसके पास से हम यहाँ से गुजर रहे हैं, और यहाँ भी स्टेशन आप देख सकते हैं क्या की करंट हालत है।
और अब ये हम क्रॉस कर रहे हैं मॉडल कॉलोनी का रेलवे मेन फाटक जो है रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक होती है, रेलवे क्रॉसिंग फाटक यहाँ भी लगना चाहिए अगर प्रॉपर्ली यहाँ पर चलती है। तो काफ़ी लोगों ने जो है सिर्फ मॉडल कॉलोनी तक का एरिया देखा है और दिखाया है, तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा मॉडल कॉलोनी से भी आगे रेलवे ट्रैक पे चलते हुए। देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है रेलवे ट्रैक की, क्योंकि जो काम है रेलवे ट्रैक का वो मई कैंट तक एक्सटेंड हुआ, मई कैंट तक हुआ था, और अब जो है आगे क्या पोजीशन है और इसकी ताज़ा फिलहाल आपके सामने है। और ये मलीर की जानिब जम जा रहे हैं, मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन का आउटर है। यहाँ पे जो जैसे सिग्नल्स मौजूद हैं, दो सिग्नल्स यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पे जो है वो कांटा भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रैक मूव कर रहा है। और हम मजीद जा रहे हैं आगे मलीर कैंट की जानिब। तो दोस्तों यहाँ से आगे जाते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई, बिल्कुल ग्रीनरी नज़र आई, कचरा आगे जा जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे कचरा जो है ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि आगे आबादी भी कम है और इस वजह से जो है ट्रैक के साथ साथ सब ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही थी, कुछ झाड़ियाँ पौधे दरख्त और ये साथ साथ हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो अभी हम मज़ीद और आगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं आगे ही जाने। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग देखना चाह रहे हैं मॉडल कॉलोनी और उससे आगे मलीर टैंक का मलीर कैंट तक का सफ़र, और उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो मैंने बनाई है ताकि लोग देख सकें क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल है आगे इस वक्त रेलवे ट्रैक की। तो चलते हैं मज़ीद आगे और देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी ट्रैक की क्या पोजीशन है। बार बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, सफाई रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जैसे हम अपने घरों में ख्याल रखते हैं तो घर के आसपास के लिए भी जो है वो भी आपकी जिम्मेदारी है।
वहाँ भी सफाई रखें। मसला यहाँ पे इतना ग्रीन माहौल है और यहाँ पे देख के लग नहीं रहा कि जैसे हम कराची में सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कराची से भारत के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। तो ग्रीनरी दो तरफ सब मौजूद है, झाड़ियाँ हैं, ग्रीन ग्रीनरी है। रोशनी भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो है, यहाँ पे थोड़ी रोशनी जो काम हो कहीं होगी तो उसका सफाई किया गया। मज़ी चलते हैं और आगे। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने राय का इजहार ज़रूर किए दीजिए, वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मजीद हम आगे जाते हैं, यहाँ पे एक और रेलवे क्रॉसिंग आ रही है और उसके बाद वीडियो को इख्तिताम करना चाहूँगा यहीं पर, क्योंकि इससे आगे जो है सिक्योरिटी एरिया है वहाँ पर वीडियोज़ अलाउ नहीं है। इस वजह से जो है आज तक की वीडियो यहीं तक हम उसे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।